इसराइल हमास युद्ध में ईरान का सबसे बड़ा रोल रहा है। मौजूदा युद्ध को भड़काने से लेकर मिडल ईस्ट के प्रोक्सी गुटों को हर तरह का समर्थन देने तक ईरान ने बड़ी भूमिका निभाई है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर ईरान हमेशा से मुखर रहा है। यही वजह है कि ईरान और इसराइल की दुश्मनी खासी पुरानी है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने भी शुरुआत से ही इसराइल के खिलाफ अपने तेवर तीखे कर रखे हैं। इसकी बानगी एक बार फिर राजधानी तेहरान में देखने को मिली, जहां ईरानी राष्ट्रपति ने यमन के हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता मोहम्मद अब्देल सलाम के साथ मुलाकात की। बताया जाता है कि दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान इसराइल के साथ की जा रही कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने इसराइल के खिलाफ और गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमनी बलों के ऑपरेशंस की जमकर तारीफ की। साथ ही मसूद पेजिश्कियान ने मुसलमानों के उत्पीड़न को खत्म करने के लिए इस्लामी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्र के समर्थन में यमन की ओर से की गई कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी है। इसने इसराइल और उसके समर्थक देशों, खास तौर से अमेरिका पर सीधे तौर पर दबाव डाला है। दबाव और अहंकारी शक्तियों की दुश्मनी के सामने यमन की दृढ़ता बहुत मूल्यवान और सराहनीय है। मुस्लिम देशों की एकता दुश्मनों की साजिशों को विफल कर सकती है। एकता और एकजुटता इस्लामी देशों की शक्ति को मजबूत करती है। बता दें कि यमनी नेता मोहम्मद अब्देल सलाम का तेहरान दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब मसूद पेजिश्कियान ने ईरानी संसद में ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। बताया जाता है कि पेजिश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ और इस्लामिक जिहाद आंदोलन के महासचिव ने भी शिरकत की। बताया जाता है कि शपथ कार्यक्रम के बाद ईरानी राष्ट्रपति ने एक एक कर अतिथियों से मुलाकात की। इस कड़ी में ईरानी राष्ट्रपति ने यमनी नेता के साथ बैठक की, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत और गहरे संबंधों की सराहना की। मुलाकात पर यमनी नेता ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपसी हितों को पूरा करने के लिए हमारे सहयोग का और विस्तार होगा। यमन आम चुनौतियों का सामना करने के लिए अलग अलग इलाकों में ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। हाल में इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स में हुए मिसाइल अटैक से, जहां इजरायल लेबनान के हिजबुल्ला समूह पर भड़का हुआ है, दोनों देशों का तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस पर यमनी नेता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आग में घी डालने का काम किया है। यमनी नेता ने इशारों में इसराइल को सीधी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि यमन इजरायली धमकियों से डरता नहीं है और यमन इजरायल के खिलाफ लेबनान की रक्षा के लिए तैयार है। फिलिस्तीन या लेबनान पर किसी भी इजरायली हमले पर यमन का रुख बिल्कुल साफ है। यमन किसी भी इजरायली हमले के खिलाफ खुद की रक्षा में लेबनान के साथ खड़ा होगा। बहरहाल ये देखना काफी अहम रहेगा कि इजरायल इन धमकियों को नजरअंदाज करता है या फिर लेबनान पर हमला करने से बचता है। हालांकि अब तक इजरायली ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि इजरायल हर हमले का जवाब जरूर देता आया है।